नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका वाईफाई स्टडी बालाजी यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे नहीं होंगे। लॉकडाउन का समय चल रहा है, बड़े ही कठिनाइयों का समय चल रहा है। आलम यह है कि आदमी बालकनी में भी आता है ना और देखता है कि अरे कुत्ता बैठा है नीचे, उस कुत्ते को भी देखेगा, उस कितनी बार पूंछ हिलाता है वो ये भी देखेगा। तुरंत परिवार वाले सभी सदस्यों को बुलाएगा, मम्मी पापा जल्दी दौड़ के आओ, देखो कुत्ता बैठा हुआ है। अरे बाप रे बाप, पैर हिलाता है, क्या बात है, पूंछ भी हिलाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये तो शुक्र है जियो का कि जो हर दिन आपको अनलिमिटेड डाटा मिलता है। नहीं तो पहले तो आलम यह था कि आदमी 1 GB डाटा मिलता था और वो भी पूरे महीने चलाना होता था। उसमें भी फेसबुक खोलता था और देखता था, अरे बाप 10 MB डिलीट हो गया, 5 MB और गया, 1 MB का हिसाब रखता था। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा मौका है घर पे रह के सेल्फ स्टडी करने का। ऐसा मौका शायद ही कभी फिर देखने को मिले, तो इसलिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे प्यारे दोस्तों पढ़ते रहिए। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि रहेगा बाबर पे। बाबर जो मात्र अपने साथ 12,000 सैनिक लेके भारत आएगा, और एक तरफ बाबर और एक तरफ इब्राहिम लोदी जिसके पास 1,00,000 की सेना है। मेरे प्यारे दोस्तों, युद्ध बहुत डिफिकल्ट था, मुश्किल था, लेकिन उसको जीतना असंभव नहीं था। और बाबर ने वो कर दिखाया जो कि इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। मात्र 12,000 सैनिकों को लेकर उसने 1,00,000 की सेना को हराया। दोस्तों, बाबर में हौसले की कमी नहीं थी और हौसले की कमी आप में भी नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप भी चाहेंगे तो एक दिन सरकारी नौकरी आपके हाथ में होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेहनत करते रहिए और जरूर एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मुगलों के बारे में। जो मुगल भारत में जब रहते हैं, इनका जो टाइम पीरियड रहेगा वो 1526 से लेके 1857 तक रहेगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने इस टाइम को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। मैंने एक 1526 से लेके एक 1707, इस 1526 से लेकर 1707 में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, ये 6 रूलर यहां पे राज करेंगे और बाबर इसकी नींव रखेगा। और ये जो 6 रूलर रहेंगे, जब तक ये भारत में रूल करेंगे तब तक इनका पूरे भारत पे एक बहुत ज्यादा दबदबा होगा। लेकिन 1707 के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद, ये जो मुगल साम्राज्य रहेगा ये एक तरीके से ढीला पड़ने लगेगा। एक तरीके से इतना दबदबा नहीं रह जाएगा और भारत में शुरू हो जाएंगे अंग्रेज। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1707 से लेके हम फिर एंट्री कर जाएंगे मॉडर्न इंडिया में। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं बाबर के बारे में। देखिए, बाबर का जो टाइम पीरियड रहेगा ये 1526 से लेके 1530 तक रहेगा। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को तुर्क के फरगना जगह पर हुआ। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर की फैमिली से बिलोंग करता था। मेरे प्यारे दोस्तों, तैमूर वो है जब तुगलक वंश चल रहा था, तुगलक वंश के टाइम पे तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद इनकी माता का नाम कुतलगु निगार खानम, जो कि चंगेज खान की फैमिली से बिलोंग करती थी। और चंगेज खान वो था जो कि भारत में जब दिल्ली सल्तनत की हमने शुरुआत की थी, और सबसे पहली जो हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी थी, स्लेव डायनेस्टी में चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, तैमूर और चंगेज खान को दुनिया का बहुत, मतलब एक तरीके से बहुत ज़्यादा क्रूर शासक माना जाता है इनको। और क्यों फिर बाबर, तो जाहिर सी बात है, बाबर इन्हीं के वंशज का था, तो फिर तो ये तो क्रूर होना ही था। उसके बाद देखिए, बाबर जब भारत में आया तो इसको स्टेबिलिटी भारत में ही मिली। इससे पहले ये जगह जगह भटकता रहा, इसको कहीं स्टेबिलिटी नहीं मिली। और मात्र 11 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठ गया। 1494 में मात्र 11 वर्ष की उम्र में यह फरगना का शासक बन गया अपने पिता की मृत्यु के बाद। उसके बाद ये 1494 से लेके 1502 तक, अब देखिए, जब ये फरगना का शासक बना तो 11 साल की उम्र थी, और जो आसपास के जितने भी रूलर थे वो सारे के सारे इस पे नजर बना के रखे थे कि छोटा सा लड़का क्या कर लेगा, जिसकी वजह से सब जितने भी रूलर थे सब इसके पीछे पड़ गए और इसको फरगना छोड़ के वहां से भागना पड़ा। उसके बाद 1494 से लेके 1502 तक ये तुर्क के समरकंद में इसने अपना डेरा जमाया। लेकिन समरकंद में भी क्या हुआ, 1502 में ही इसके साथ एक युद्ध हुआ जो कि बोला जाता है सर एपुल।
अब ये जो सर ए पुल जो युद्ध हुआ था, ये बाबर और शेबानी खान के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर यहां पे हार जाता है और हारने की वजह से बाबर को यहां से भी भागना पड़ता है। उसके बाद 1504 में ये काबुल और कंधार में जाके बसता है, और काबुल और कंधार कहां पे है? अफगानिस्तान में। अब देखिए दोस्तों, जब ये काबुल और कंधार में जाके बसता है तो इसको लगता है कि अब शायद जाके कुछ स्टेबिलिटी मिली है, अब जाके कहीं हमारा रूल, हम शासन कर रहे हैं। और यहां पर भी क्या दिक्कत आती है इसको, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहां पे ऐसी कोई इसको प्रॉब्लम नहीं आई कि इसको किसी ने भगाया हो। तो यहां पे तभी इसने 1507 में एक उपाधि ली जो कि बादशाह की उपाधि कहलाती है। तो इसने बादशाह की उपाधि ले ली। अब देखिए यहां से इसको भारत क्यों आना पड़ा, यहां से इसलिए भारत इसलिए आना पड़ा इसको क्योंकि यहां पे इसको बहुत ज्यादा मंदी का सामना देखना पड़ा, क्योंकि अर्थव्यवस्था यहां पे जब ये शासन कर रहा था अर्थव्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई थी, ना पैसे थे, शासन कैसे करे, कैसे चीजों को चलाए। तो यहां फिर वहां से ये मात्र अपने साथ 12,000 सैनिक लेके रुख करता है भारत की तरफ। और देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि आपने सुना होगा पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ। मेरे प्यारे दोस्तों, पानीपत के युद्ध से भी पहले बाबर भारत पर आक्रमण कर चुका था और इसने टोटल 4 आक्रमण किए थे। 1519 में इसने पहला आक्रमण किया था भारत पे जो कि बाजोर कहां पर है, सिंध में। और ध्यान रखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं, यहां मैंने लिखी नहीं, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बाजोर, जब इसने बाजोर पर आक्रमण किया था तो सबसे पहले भारत में एक ऐसा आदमी आया जो अपने साथ तोपे लेके आया, मतलब इसने पहली बार भारत में यहां पर तोप और गोला बारूदों का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद दोस्तों 1520 से लेकर 1521 तक इसने 3 अटैक किए सिंध पर और कश्मीर पर। इसका मतलब टोटल कितने अटैक हो गए, 4 अटैक हो गए। तो इसने भारत पर पानीपत के प्रथम युद्ध से पहले 4 अटैक ये कर चुका है। और उसके बाद एक युद्ध लड़ा जाएगा जो कि इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा युद्ध होगा, जो कि रहेगा पानीपत का प्रथम युद्ध। ये युद्ध लड़ा जाएगा बाबर के बीच में और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी के ही टाइम पे दौलत खान लोदी जो कि पंजाब का एक सूबेदार था, उसने बाबर को इनवाइट किया और उसने कहा बाबर से कि सिंध पर क्या आक्रमण कर रहे हो, भारत में अंदर आओ, दिल्ली पर आओ, अतः संपत्ति मिलेगी और यहां पर लूट खसोट करो, वहां पर कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों दौलत खान लोदी वो आदमी था जिसने बाबर को इनवाइट किया था, बुलाया था कि आ जाओ और यहां पे भारत में अंदर आकर आक्रमण करो। और दोस्तों एक चीज मैं आपको बता दूं, राणा संगा जो कि मेवाड़ का शासक था, उसने ये कहा था बाबर से कि तुम आओ और तुम भी, उसने भी सपोर्ट किया, लेकिन उसने कहा कि तुम आक्रमण जब करोगे तो मैं अपनी सेना लेके वहां पहुंचूंगा, मैं तुम्हें पूरा सपोर्ट करूंगा। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों ये सेना लेके पहुंचेगा नहीं, जिसकी वजह से 1526 के बाद जो 1527 का जो युद्ध होगा वो इसी के साथ होगा। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं। अब देखिए पानीपत के जो प्रथम युद्ध था इसमें क्या हुआ, क्या ऐसी रणनीति अपनाई बाबर ने कि मात्र 12,000 सैनिकों को लेकर युद्ध जीत गया। देखिए मैं आपको एक डायग्राम मैंने यहां पे बनाया है, इससे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए इधर थी यमुना नदी, ये जो मैंने हल्की सी लाइन खींची है यहां पे थी यमुना नदी। देखिए इस फिगर से भी कई क्वेश्चन मिलेंगे आपको जो कि पेपर में भी पूछे जाते हैं। और देखिए इसने रात ही रात में यहां पर एक खाई खुदवा दी। अब इधर तो यमुना नदी हो गई, इधर इसने खाई खुदवा दी, और ये जो मैंने इस तरीके से डंडे छोटे छोटे बनाए हैं ये मान लो कि भाई उसके सैनिक खड़े हुए हैं। और दोस्तों इसने यहां पे सामने तोपे सजवा दी थी। अब जो देखिए इसने जो विधि यहां पे इस्तेमाल की थी वो थी तुलगमा विधि। तो यहां पे ये पूछा जाता है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन सी नीति अपनाई थी या कौन सी विधि अपनाई थी, तो वो थी तुलगमा विधि। उसके बाद जो इसकी ये सामने तोपे रखी हुई थी इसको बोलते थे उस्मानी विधि, मतलब इस तरीके से तोप को सजाने की जो विधि थी उसको बोला जाता था उस्मानी विधि। और इस तोप का जो नेतृत्व कर रहे थे वो दो आदमी थे, कई बार पूछा जाता है उस्ताद अली और मुस्तफा खान, ये दोनों के दोनों इसकी तोप का नेतृत्व कर रहे थे। मेरे प्यारे दोस्तों ये तोप इसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव रही, क्योंकि तोप देखिए चलाना और मारना वो तो अलग चीज थी, इसने जब ये तोपे दागी तो जो
इब्राहिम लोदी था जो इसके पास सेना थी, इसकी सेना में हाथी बहुत थे। अब भारत में पहले तोपों का इस्तेमाल हुआ नहीं था, जिसकी वजह से जब ये तोप दागी गई तो जब हाथियों को इस तोपों की आवाज सुनी तो वे एकदम से डर गए, उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी नहीं थी, जिसकी वजह से जो इब्राहिम लोदी के जो हाथी थे वो अपनी ही सेना को कुचलने लगे थे। तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव बात थी बाबर के लिए। तो दोस्तों, तो इस वजह से बाबर ने पानीपत का युद्ध जीता, और हौसले की कमी थी ही नहीं इसके सैनिकों में, तो जाहिर सी बात है बहुत ही जल्दी इसने इस युद्ध को अपने कंट्रोल में कर लिया और बहुत जल्दी ही जीता। उसके बाद देखिए दोस्तों, युद्ध जीतने के बाद इसने पानीपत में काबुली बाग और काबुली मोस्क्यू या फिर काबुली मस्जिद, जिसको हिंदी में बोलेंगे, उसका निर्माण कराया, पानीपत में कराया। उसके बाद काबुल और कंधार में इसने चांदी के सिक्के बंटवाए, जिसकी वजह से जनता के द्वारा इसको एक उपाधि धारण हुई, और उस उपाधि को क्या कहते हैं, कलंदर, मतलब इसको कलंदर की उपाधि दी वहां की जनता ने। ध्यान रखिएगा, ये स्पेशली क्वेश्चन आता है कि किसने दी, जनता ने दी, ये मत सोचिएगा कि खुद ने ही इसको, मतलब इसने खुद को ही उपाधि दे दी। उसके बाद इसने जैसे ही ये भारत में एक युद्ध जीतता है पानीपत का, और उसके बाद जब इसको स्टेबिलिटी लगती है तो फिर ये अपनी राजधानी बनाता है किसको, आगरा को। अब देखिए, वही राणा संगा जो कि मेवाड़ का रूलर था, और 1527 में जैसे ही ये थोड़ा स्टेब्लिश हो जाता है, अपनी राजधानी बनाता है, उसके बाद इसको याद आती है राणा सांगा की। मेरे प्यारे दोस्तों, इसको तुरंत याद आता है कि भाई युद्ध के टाइम पे राणा सांगा ने कहा था कि मेरी मदद करेगा, लेकिन आया नहीं था, कहीं ऐसा ना हो कि कल फिर वो मेरे सामने खड़ा हो जाए, जिसकी वजह से 1527 में फिर युद्ध लड़ा जाता है, खानवा का युद्ध, और इस खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा, और राणा सांगा की मदद कौन करेगा, मोहम्मद लोदी और मैदिनी राय जो कि मालवा का रूलर रहेगा, और ये मोहम्मद लोदी, जो मोहम्मद लोदी है, ये इब्राहिम लोदी का छोटा भाई है। यहां पर भी बाबर जीत जाएगा, और हार होगी किसकी, राणा सांगा की। और मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो युद्ध था खानवा का युद्ध, यहीं पर बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद क्या होता है, देखिए, जब बाबर ने ये युद्ध लड़ा, और इसमें भी क्या दिक्कत आई, इसमें भी ये दिक्कत थी कि बाबर के पास एक बटे तीन सेना थी, मतलब राणा संगा के पास तीन गुना सेना थी इससे, लेकिन फिर भी यहां पर बाबर ने अपने सैनिकों को कहा कि मेरे सैनिकों, अगर आप चाहते हैं कि हमें वापस अफगानिस्तान ना जाना पड़े, हमें वहां के जंगलों में ना घूमना पड़े, और अगर आप चाहते हैं कि भारत में मुस्लिमों का प्रचार हो, तो जिसकी वजह से आपको ये युद्ध जरूर जीतना पड़ेगा, और हम सब मिलकर ये युद्ध जीतेंगे। और यही था जो धर्म के नाम पे लोगों को उकसाया जाता है, किसी काम करने, कोई भी काम करने की जो प्रेरणा दी जाती है, उसी को कहते हैं जिहाद, और यहीं पर इसने जिहाद का नारा दिया था। उसके बाद दोस्तों, इस युद्ध के बाद इसने गाजी की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है 1528, जो कि चंदेरी का युद्ध। ये चंदेरी का युद्ध बाबर और मैदिनी राय के बीच में हुआ। ये मैदिनी राय वही है जो राणा संगा को सपोर्ट करने पहुंचा था, और 1528 में इसने यहां इसको भी हराया, और यहां पर जीत किसकी हुई, यहां पर भी जीत हुई बाबर की। और देखिए दोस्तों, यहां पे एक जानने का पॉइंट ये है कि सबसे पहले 1528 के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, बाबर ने जौहर देखा। जौहर क्या होता था, जौहर वो होता था जब कोई भी महिला, उस टाइम पे जो महिला होती थी वो खुद को आग में समर्पित कर देती थी, मतलब वो आग में कूद जाती थी अपनी आन बान बचाने के लिए, उसी को बोला जाता था जौहर। उसके बाद दोस्तों, 1529 में घाघरा का युद्ध, और इस घाघरा के युद्ध में बाबर और अफगानों के बीच में ये युद्ध हुआ, और इसमें भी बाबर जीता। तो चलिए दोस्तों, एक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बात करते हैं बाबर के बारे में कुछ और। चलिए दोस्तों, बातों को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं 1527 से लेकर 1528। इस दौरान एक ऐसा काम हुआ जो कि भारत में सबसे ज्यादा विवादित रहा, और वो था बाबरी मस्जिद का निर्माण। ये बाबरी मस्जिद का जो निर्माण था, ये अयोध्या में करवाया गया, और किसके द्वारा करवाया गया, मीर बाकी ने। मीर बाकी ने इस मस्जिद को बनवाया किसके कहने पर, बाबर के कहने पर। और ये मीर बाकी कौन था, ये बाबर का सेनापति था। उसके बाद दोस्तों, 1530 में 47 की एज में इसकी मृत्यु हो गई, और इसका मकबरा कहां पर है, आराम बाग, जो कि आगरा में है।
लेकिन इसकी अंतिम इच्छा ये थी कि इसको कहां पर दफनाया जाए, इसको काबुल में दफनाया जाए, जिसकी वजह से उस टाइम ऐसी परिस्थिति नहीं थी कि इसको काबुल में दफनाया जाए और बाद में इसका जो मकबरा है वो आगरा से शिफ्ट कर दिया जाता है काबुल में। उसके बाद इसकी आत्मकथा के बारे में बात करेंगे तो तुजुक ए बाबरी इसकी आत्मकथा है जो कि टर्किश भाषा में लिखी हुई है। इसको अकबर, जो अकबर हम आगे पढ़ेंगे, अकबर इसको पर्शियन भाषा में चेंज करवाएगा और जिसका नाम रखेगा बाबरनामा। अब देखिए दोस्तों, ये जो बाबरनामा रहेगी ये किसने बदली, ये बदली अब्दुल रहीम खान है, खाना ने, जो कि किसके दरबार में था, अकबर के दरबार में था। उसके बाद देखिए दोस्तों, एक ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बागबानी और ढोल नगाड़ों का शौक रखने वाला कौन सा शासक था मुगल साम्राज्य में, तो वो था बाबर। तो ये था एक कंप्लीट लेक्चर बाबर के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।